सो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे इंटीरियर की सारी चीज़ें रख रखी हैं। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ उफा के सबसे बड़े मॉल में, जो कि है आशान। यहाँ पे आटा, चावल, गेहूं से लेकर तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, अगर वो टॉयलेटरीज हो, आपके घर का इंटीरियर की चीज़ें हो, सारी चीज़ें, वो भी सस्ते में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी बच्चा इंडिया से आता है उफा, वो सबसे पहले यही विज़िट करता है अपनी इनिशियल डे की सारी शॉपिंग के लिए। सो वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका और स्वागत है आपका फिर से एक और बार मेडोवर मेडिसिन में। सो जब तक आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते गाइस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज तक मैंने आपको ग्रोसरी का रेट बताया, बट आज मैं दिखा भी देती हूँ लाइव में कि ग्रोसरी कितने की होती है। तो फर्स्टली मैं आपको दिखा रही हूँ ऑलिव ऑयल, जिसका रेट है 119 एक लीटर का। और चलिए अभी देखते हैं सनफ्लावर ऑयल का रेट। तो ये सनफ्लावर ऑयल मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, जिसका रेट है एक लीटर का 129। तो यहाँ पे सरसों का तेल भी मिलता है, लेट मी फिगर आउट यहाँ है या नहीं है। तो पहले मुझे देखने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे दो ही ऑयल मोस्टली यूज़ होते हैं, वो है ऑलिव ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। और सरसों का तेल अगर दिख रहा होगा तो मैं दिखाती हूँ, नहीं तो फिर मैं रेट मेंशन कर दूँगा। और गाइस यहाँ पे सबसे सस्ता जो सनफ्लावर ऑयल मिलता है वो है ये काजदी देन, जो कि आसान का खुद का ब्रांड है। उसका प्राइस है 91.8 लीटर। सो गाइस जितनी भी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ वो मैं खुद यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं उसका प्राइस दिखा रही हूँ। बट ये काजदी देन जो ब्रांड है वो आसान का खुद का है, तो उसकी चीज़ें कंपेरेटिवली बाकी ब्रांड की चीज़ों से सस्ती है। तो यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि आसान का खुद का ही ब्रांड का चीज़ें मिलती है, यहाँ पर अलग अलग ब्रांड की भी वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं। ये है मैदा जो कि 2 kg का है और उसका रेट है 47 रुपये। और अभी मैं आपको आटा दिखाती हूँ। ये है आटा 2 kg 94 रुपये का, और ये वाला आटा सिर्फ शाम में ही मिलता है। तो गाइस ये है वो सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, जो कि टाटा जैसा ही होता है। तो इसका प्राइस है 28 रुपये और ये कितने ग्राम 1 kg है। और यहाँ पे भी अलग अलग वैरायटी के सॉल्ट आते हैं, जैसे पिंक सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, तो अलग अलग टाइप्स के आते हैं। वह सॉल्ट ऑलरेडी रखी हुई है, जो कि मैं लोकल ग्रोसरी स्टोर से ही ले लेती हूँ। तो मैं अभी लेके जा रही हूँ पिंक हिमालयन सॉल्ट, जो कि 91 रुपये का है, 1 kg का पैकेज है ये। अभी मैं चीनी का रेट बता देती हूँ। अगेन 1 kg की चीनी आपको 59 रुपये की मिल जाती है। ये है बेसन और इसका रेट मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे चीज़ें ना रिफिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस अभी मेंशन नहीं है फिलहाल इस चीज़ का। तो मैंने जिस प्राइस में लिया वो मैं टैली करूँगी और उसके बाद मैं प्राइस नीचे मेंशन कर दूँगी। तो गाइज ये वो राइस है जो हम डेली में यूज़ कर सकते हैं, एंड ये है 76 रुपये और मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। और ये वो राइस है जो हम पुलाव या बाकी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये है 99 रुपये और ये दोनों ही पैकेजेस 800 ग्राम के। अभी सो गाइस ये है बासमती राइस, अगेन इसका प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। इधर आप देख सकते हो यहाँ पे मिलेट्स भी रखे हुए हैं, तो जो हेल्थ फ्रीक है वो मिलेट्स खा सकते हैं। और रेट आपको दिख रहे होंगे अपने फोन। और ये है रवा, अगेन ये आशान के ब्रांड का है, तो ये 1 kg 36 रुपये का है। और अलग अलग ब्रांड के रवा अलग अलग रेट में होते हैं। सो गाइस ये दलिया है और ये 33 रुपये का, अगेन 1 kg और आशान के ब्रांड का। सो गाइस अभी कुछ दालों के बारे में हम बात करते हैं। तो ये रोज़ाना यूज़ होने वाले मटर की दाल 34 रुपये की है 1 kg, ठीक है। और ये हरी दाल, नीली दाल का मुझे कुछ नहीं पता। और सो गाइस 500 ग्राम छोले हमें मिल जाते हैं 109 के रेट में, राइट। और अगर हम राजमा की बात करें, वही जो अशांति ब्रांड का है वो 1 kg 129 रुपये में मिलता है। और अगर हम मटर की बात करें 1 kg, तो वो 98 रुपये में। सो गाइस इधर आप अलग अलग तरीके की दालें देख पा रहे होंगे, जैसे ये स्प्राउट्स है, ये मसूर की दाल हो गई, बंद मसूर की दाल। तो ये सारी ना इनका रेट अलग अलग शॉप में अलग अलग प्राइस में भी आता है। यहाँ पे ओपन मार्केट्स भी होते हैं जहाँ पे आप केजीज में खरीद सकते हो, तो वहाँ से ये सस्ता पड़ता है, तो यहाँ से हम खरीदते नहीं हैं जनरली। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए हो तो उसके रेट आप देख पाओ। तो ये पूरा आशान के ब्रांड वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे पास्ता भी बहुत अच्छे में रखा हुआ है,
400 ग्राम, आप देख पा रहे हो इसका रेट। तो बहुत से लोगों को ये होता है, मतलब डाउट होता है कि यहाँ पे वेदर सेवैयाँ मिलती है, नहीं मिलती। सेवैयाँ यहाँ पे मिलती है, और ये है एक केजी 33 रूबल। तो भाई अभी तक हमने इतनी चीज़ें खरीद ली हैं, और ये जो आप इधर पीछे देख रहे होंगे तो ये नींबू का जूस है, ठीक है। तो ये आप ऐसे फॉर्मेट में भी दे सकते हो, ज़्यादा दिन चलता है। जहाँ तक जितना देख पा रहे होगे यहाँ पे प्यूरीज रखी हुई है टोमेटो की, क्योंकि यहाँ पे विंटर से टोमेटो बहुत महंगे हो जाते हैं, इसलिए प्यूरीज बहुत से बच्चे यूज़ करते हैं। और इधर अलग अलग टाइप के यहाँ पे, आप केचप घर से बिल्कुल मत लेके आना टोमेटो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के केचप मिलते हैं जितने इंडिया में नहीं मिलते। और अगर हम रेट की बात करें केचप की, तो वो भी बहुत सस्ते और रीज़नेबल होते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारे वहाँ बोला गया हमारे इसने उसने कि हमें बहुत सी मैगी भर के लानी है, और मैगी मसाला की बात हो रही है, मैगी तो यहाँ भर भर के मिलती है। ये देखो और प्राइस भी देखो यार, कितने हैं, कितने रीजनेबल है। यहाँ पे देखो 29 रूबल का पैकेज है, ये 24 का है, बहुत सी जगह 19 रूबल का तक आता है। तो क्यों ला रहे हैं? इंडिया में जो छोटी मैगी आती है वो 5 या 6 रूबल की, रुपीज़ की आती है, सॉरी रूबल की आदत पड़ गई है, वो यहाँ पे 8 रूपीज़ की, रूबल की आती है। और कैंड फूड देख पा रहे होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे कैन में राजमा मिलता है, ऐसा ये फ्रोजन में भी मिलता है, मटर वगैरह ये सारी चीज़ें। बट उन दिनों के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिन दिनों आपने राजमा भिगो नहीं रखा और आपको राजमा खाना है, तो आप ये एक कैन ले जा सकते हो, और उसके बाद आप बना के इंस्टेंटली खा सकते हो। और भी चीज़ें आती है इसमें, जैसे मटर हो गया, ऑलिव्स हो गए। सो गाइस ये है कॉर्न, और ये हम लोग लाइक कैन में ही यूज़ करते हैं, ऐसे मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो उसकी प्राइस मतलब बहुत ऊपर होता है। और वो और इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है अभी कोरियन फूड का, तो ये आप देख के मुझे बता दो कि ये क्या है, सही गैस करके मुझे बता दो। और गाइस जो राइस पेपर का आजकल मैं जितने भी रीलें देख रही हूँ ना फूड से रिलेटेड, राइस पेपर उसका मेन इंग्रेडिएंट काइंड ऑफ हो गया है। तो इसमें 10 पेपर्स हैं और 153 रूबल के हैं, तो आई गेस इतने ही रेट। सो गाइज आप जितना भी देख पा रहे हो सेशन, वो पूरा कॉस्मेटिक का सेशन है, तो थोड़े बहुत कॉस्मेटिक्स मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे निव्या, हिमालय, गार्नियर के सारे ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और सारी स्किन केयर की रेंजेस भी अवेलेबल होती है। मिलता है, वो यहाँ पे भी मिलता है। ये है 179 का, और ये 1 लीटर आपको ऑफर में और भी सस्ते मिल जाते हैं। जो लोग इंडिया से परफ्यूम लाना चाह रहे होंगे और उनको डर होगा कि परफ्यूम का बॉटल इतना महंगा होता है और ऊपर से कांच का होता है, फूट जाएगा, तो देखो इतनी सारी वैरायटी है, और भी वैरायटी है, ब्रांडेड भी मिल जाएंगे, डियोर, शनेल सब यहाँ पर मिल जाता है अगर आप लेना चाहते हो। और अगर आप मेरे जैसे हो तो परफ्यूम लीजिए, स्मेल कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे पैंटीन, ट्रेसेमे, हेड एंड शोल्डर्स के शैम्पू, सीरम एंड सारी चीज़ें मिल जाती है। कोलगेट भी यहाँ पे मिलता है, क्लोजअप भी मिलता है, तो ये लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिटरी नैपकिन्स भी अवेलेबल होती है, तो इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप। यहाँ पे स्टोरेज बॉक्सेस भी मिलते हैं, तो आपको स्टोरेज बॉक्सेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दैट टू इन वेरी गुड डिसेंट अमाउंट। पैन्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, सॉस पैन और इवन केटल्स भी अवेलेबल होते हैं, बट हॉस्टल में हम यूज़ नहीं कर सकते, सो केटल तो मत ही लाना। और सर्फ लाने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लानी है साबुन के टिक्के लाओ। और ये है डिश वॉशर,
जो कि आप जिसका प्राइस देख सकते हो, और ये 24-25 रूबल के मिल जाते हैं लोकल शॉप में। सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट टू भी बने, जैसे मॉप और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके रेट आपको आने के बाद जो चीज़ें लेनी पड़ेगी आपके रूम क्लीनिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो अगर आप ये चाहते हो तो इस वीडियो पे 100 लाइक कर दो एंड बहुत सारा प्यार बरसाओ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर।